खमनूर तहसील भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए राजसमंद जिला कलेक्टर ने देखा मौका। खमनूर तहसील भवन निर्माण के भूमि चयन के बहुप्रतीक्षित मुद्दे को सुलझाने के लिए कलेक्टर अरविंद पोषवाल आज खमनूर पहुंचे। उन्होंने कस्बे में अनेक जगहों पर तहसील भवन निर्माण के लिए जमीनें देखी, जहां पहले कस्बे में आबादी के बीच स्थित हवा मंगरी पर पहुंचे। यहां उन्होंने तहसीलदार सोहनलाल शर्मा व ग्राम विकास अधिकारी बाल मुकुंद माली से मौका, नक्शा और वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसके बाद कलेक्टर ने वर्तमान तहसील भवन और इसके आसपास पुराना पुलिस थाना का जर्जर परिसर, प्राथमिक स्कूल भवन आदि पर तहसील की संभावनाओं को भी देखा। सभी अधिकारी यहां से डाबुन रोड स्थित बिलानाम जमीन भी देखने गए। कलेक्टर पोषवाल ने तहसील भवन के लिए भूमि चयन के लंबित मामले को निपटाने के लिए अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। कलेक्टर करीब 2 घंटे रुके और खमनूर में तहसील भवन निर्माण के लिए भूमि चयन के विभिन्न पहलुओं को समझा। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश राय सापेला, BDO नीता पारिक, ग्राम पंचायत की सरपंच ममता विरवाल, उप सरपंच भवानी शंकर जोशी सहित वार्ड पंच एवं ग्रामीण मौजूद थे। पंचायत द्वारा जारी पट्टे की कब्जे खाली करना मुश्किल, सरपंच ममता विरवाल से हवा मंगरी पर तहसील कार्यालय बनाने के लिए पक्ष जाना तो सरपंच ममता विरवाल ने बताया कि हवा मंगरी पर सन 1975 में पंचायत द्वारा आबादी में करीब 45 परिवारों को पट्टे जारी कर रखे हैं। पट्टेधारियों को हवा मंगरी से नहीं हटाया जा सकता है। जब तक इन पट्टों का निस्तारण नहीं होगा तब तक पंचायत इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है। सरपंच ने बताया कि पट्टों के विवादित मामले को लेकर पूर्व कोरम की बैठक में भी वार्ड पंचों ने हवा मंगरी पर तहसील कार्यालय बनाने की सहमति नहीं जताई। मौके पर उपस्थित वार्ड पंच गोपाल माली, तरुण गहलोत, केसुलाल भील सहित ग्रामीणों से भी हवा मंगरी पर तहसील कार्यालय बनाने को लेकर पूछा गया, जिस पर वार्ड पंचों ने जिला कलेक्टर को बताया कि हवा मंगरी पर जाने के लिए रास्ता सकड़ा होने से आम जन को जाने आने में समस्या रहेगी।